हेलो दोस्तों, मैं हूँ विश्राम और आज आप लोगों को मैं एक ऐसी TVS की बाइक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अभी कॉन्सेप्ट बाइक है लेकिन इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बाइक देखने के लिए हम लोग को कंप्यूटर स्क्रीन में जाना पड़ेगा। मैंने ये बाइक वाले वेबसाइट में देखा। जैसे ही मैं अभी TVS का बाइक देखने के सोचा, मैंने वहाँ पर राइट साइड में देखे अपकमिंग बाइक्स। सबसे ऊपर में TVS जैपलिन, उसके नीचे TVS रोनिन और उसके नीचे TVS सिरोन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं TVS रोनिन के बारे में, है ना। और यहाँ पर मैंने देखा TVS रोनिन को इस बाइक वाले वेबसाइट में, तो इसका मैंने TVS का ऑफिशियल वेबसाइट भी गया, वहाँ भी मैं चेक किया अगर इसका कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो बोल के। लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ पर आवर प्रोडक्ट में TVS में देखें तो यहाँ पर हमको कुछ नज़र नहीं आया इसके बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो आप मोटरसाइकिल दिख रहा है और मोटरसाइकिल में बस यही सब है। इसके अलावा TVS रोनिन के बारे में यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये TVS बाइक, ये जो TVS रोनिन 225 है, इंडिया में लॉन्च हो सकती है नहीं होगी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे। मैं ऐसे ही आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये अपकमिंग कॉन्सेप्ट बाइक का TVS का अभी तक लॉन्च होगा नहीं होगा इसके बारे में, लॉन्च होगा कि इसका संभावना कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं TVS रोनिन 225 और यहाँ एक्सपेक्टेड प्राइस दिखा रहा है 125,000 से 130,000 के आसपास, 130,000 के आसपास एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट दिखा रहा है जुलाई 2022। और यहाँ पर आप लॉन्च कॉन्फिडेंस में देखिएगा तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस लॉन्च इज बेस्ड अपॉन स्पेकुलेशंस एंड रिमर्स एंड मे नॉट बी करेक्ट। और ये लॉन्च नहीं भी हो सकता है, लेकिन चलिए हम लोग नोटिफाई मी व्हेन लॉन्च। नहीं, यहाँ पर अपना इंफॉर्मेशन भरना पड़ेगा, छोड़ दीजिए नहीं करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ पर लिखा है TVS रोनिन 225 का सैमरी। यहाँ पर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इंजन का कैपेसिटी रहेगा 225 cc का। ट्रांसमिशन यानी कि गियर 5 गियर का रहेगा, 5 स्पीड मैनुअल लिख रहा है। और मैक्सिमम पावर जो 20 bhp दिखा रहा है, यहाँ पे जो फिलहाल प्रेजेंट में है आपका अपाची 200, उसका भी 20 bhp का ही पावर है। The smart connect is enabled with a trip and tour mode, while the navigation feature keeps you on the right path no matter where you are. और ये किसे किसे कम्पीट करेगी और कौन सा सेगमेंट में ये आ रही है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है अबाउट रोनिन 225। TVS रोनिन 225 इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन इंडिया इन जुलाई 2022 इन द एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज ऑफ 125,000 से लेके 130,000 के आसपास में। करेंटली यही प्राइस के आसपास में आपका अभी मिलता है बजाज का एवेंजर क्रूज 220 और बजाज का एवेंजर स्ट्रीट 160 और हीरो एक्सपल्स 200T। ये सारे बाइक से इसको कम्पीट करना है अगर लॉन्च होती है तो, लेकिन लॉन्च होने का संभावना बहुत कम है। और ये फ्यूल टाइप, ये कोई बैटरी वाली नहीं है, ये पेट्रोल से चलने वाली बाइक रहेगी। मैक्सिमम पावर जैसे कि मैंने बताया 20 bhp का है और ये बाइक टॉर्क जनरेट करेगी 20 Nm का। और एमिशन तो आपको पता है, ये स्टिक चल रहा अभी है ना, और 225 cc का रहेगा। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है अभी फिलहाल के लिए, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इसका मैंने और एक इन्फॉर्मेशन देखा था कहाँ पर, इसमें लिखा है डुअल चैनल ABS, डुअल चैनल ABS रहेगा, ये अच्छा रहेगा अगर लॉन्च होती है तो। लेकिन बहुत सालों से ये आपका TVS जैपलिन दिख रहा है, TVS जैपलिन मैं 2 सालों से देख रहा हूँ इस वेबसाइट पर, लेकिन आज तक तो लॉन्च हुआ नहीं है। इसका लॉन्च होने का संभावना भी बहुत कम है और ये भी 2 साल से ही मैं देख रहा हूँ लेकिन अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है। तो ये तीनों बाइक में से कोई एक लॉन्च हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल तो रेडर को शायद लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रेडर का स्पेशल एडिशन आ रहा है जो कि हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा। तो TVS रेडर का स्पेशल एडिशन लॉन्च करने वाली है कंपनी, अभी फेस्टिवल सीजन से पहले लॉन्च करेगी तो अच्छा रहेगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।